ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ ಹಮಕೋ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಯಾ ಹಮನೆ ಹಮಾರೆ 12 ಸನ್ ಕೆ ಸಭಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ एंड हम मित्र एडवोकेट्स सभी मिलकर ने एक निर्णय लिया. सब लोग ने तहसील ऑफिस को जाके तहसीलदार के तरफ से और हमारा तरफ से थ्रो प्रॉपर चैनल तहसीलदार मैडम के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हमने एक मेमोरेंडम दिया. ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2022 जो अधिवेशन था बेलगाम में, उस अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री और लॉ मिनिस्टर हमको आश्वासन दिया था कि ये बिल हम पास करेंगे. लेकिन आज के दिन क्या हो रहे, वो बिल पास करने के लिए उधर उधर देख रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है. इसलिए हमने एक निर्णय लिया, ऑल ओवर कर्नाटक एडवोकेट्स ने एक निर्णय लिया, आज मेमोरेंडम दिया और ये अधिवेशन में अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो हमको उनको हम सबक सिखाएंगे. हम वो जो जो निर्णय स्टेट बार काउंसिल जो पूरा बार स्टेट बार काउंसिल का लोग निर्णय लेते हैं उसके मुताबिक हम सब लोगों ने एक निर्णय लेके आगे का जो भी है. और ये हमको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी एक कानून लागू होना चाहिए. अगर दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हाईटेक फंक्शन हॉल ऑपोजिट हाईटेक सिटी गौर रोड बसो कल्याण, ये कानून इम्प्लीमेंट न हुआ तो हम उसका सबक सरकार को सिखाएंगे. अभी आपने जो मेमोरेंडम दिया है किस चीज के लिए दिया है, क्यों दिया है? ये क्या हो रहा सर, एडवोकेट को प्रोटेक्शन नहीं है. सब लोग का कि कहीं कहीं जगह एडवोकेट के ऊपर हल्ले हो रहे, हमला हो रहे, कई लोग के कई लोग निंदा कर रहे हैं. हम जो भी काम करते हैं कक्षीधर के लिए करते काम, हमारा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं रहता इसमें. और कहीं कहीं जगह हर इलाके लोगों को भी इंटेंशन एडवोकेट को परिचय है, सबको प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन एक एडवोकेट को प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है. इसलिए बहुत बहुत जरूरी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट. हम कहते तो एक नाजुक सिचुएशन में हम जिंदगी कर रहे हैं, ये दूर करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमको एक प्रोटेक्शन एक्ट है वो, इसलिए वो लागू करना बोलकर हमने सरकार को मेमोरेंडम दिया. देखेंगे सरकार क्या निर्णय लेते, इसमें ऑल ओवर स्टेट में चालू हो गया है, नॉट ओनली बसव कल्याण, ये बसव कल्याण से चालू हो गया लेकिन ऑल ओवर कर्नाटक में चालू हो गया है. कल बेंगलुरु में तो बहुत बड़ा रैली हो गया, हाँ विधानसभा को पूरा ये मुत्ती के डालने के लिए गए थे लेकिन वो जो कानून का सम टेक्निकल इश्यू आने की वजह से मेमोरेंडम दिया. लेकिन आज कल से और एक बात बोलता मैं आपको, बल्लारी बार एसोसिएशन वाले ने पादयात्रा चालू करे प्रोटेक्शन एक्ट के लागू होने के लिए, बल्लारी टू बेंगलोर. हाँ सर, क्या रहता मालूम है, हम एक आदमी के तरफ से हम केस चलाते, दूसरा आदमी को क्या रहता उसमें, या हमारा खिलाफ वकील रहता बोलकर उनके ऊपर गुस्सा रहता. हमारा कक्षीधर का मेरा और मेरा एडवोकेट मित्र का कक्षीधर का उनका रहता, लेकिन वो कक्षीधर का क्या रहता मालूम है, ये वकील की वजह से हमने ये केस हार गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा एक उनका इंटेंशन रहता. इसलिए क्या करना, प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है. और सीनियर एडवोकेट को परसों इसमें चिकबल्लापुर में सीनियर एडवोकेट को एक हल्ला हो गया, कौन मारेगा किसको मालूम नहीं, ऐसा नहीं होना बोलकर एक प्रोटेक्शन एक्ट मांग है हमारा, बहुत दिन का मांग है ये गवर्नमेंट क्या करता देखेंगे. ये गवर्नमेंट को हम एक रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी लागू करना, अगर नहीं करे तो उसका जो भी है कल का दिन वो सरकार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आपको कल का दिन मालूम होता हो. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय CMM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. एडमिशंस आर ओपन फॉर BEd एंड MSW. नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन, मॉडर्न मेंस पार्लर, वयम लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स. First time in Basava Kalyan City, thyroid testing machine is available.